बिना मेहंदी के, बिना इंडिगो के 5 मिनट में सफेद बालों को काला कर देगा आज का मेरा ये नेचुरल तरीका। तो चलिए, अगर आप भी मेरे इस नेचुरल तरीके को देखना चाहते हैं और अपने सफेद बालों को सिर्फ 5 मिनट में काला करना चाहते हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव तरीका है जो लंबे समय तक आपके बालों को काला और साथ में दिल थाम कर बैठिए सिर्फ काला ही नहीं बल्कि आपके बालों को बहुत ही ज्यादा लंबा घना करेगा, साथ में आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है वो तरीका। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बीट रूट लेना है। बीट रूट आपके बालों को नेचुरली कलर भी देता है और कंडीशनर का काम करता है। ये बहुत अच्छे से आपके बालों को एक टिंट कलर देगा, ठीक है, और ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा शाइनी बना है। तो हमें क्या करना है, बीट रूट को पहले धोकर छिल लेना है, देन उसके बाद हमें इसको कद्दूकस करना है। आप देख सकते हैं मैंने चुकंदर को बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हमें एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। मेक श्योर कि आपको लोहे की ही लेनी है, कोई और कढ़ाई नहीं लेनी, क्योंकि जब भी हम कुछ हेयर डाई बनाते हैं तो उसे लोहे की कढ़ाई में उस नेचुरल जो कलर आ जाता है ना, वो आपके बालों को बहुत ही अच्छा डाई का कलर देगा, है ना। जो हमने कहा ना, नो अमोनिया नो डाई, आज हम करने वाले हैं बालों को काला, उसके लिए लोहे की कढ़ाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाई में 3 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। गैस को ऑन कर दीजिए और आप फुल फ्लेम पे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना कसा हुआ चुकंदर। ऐड करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा इसमें बॉइल्ड आने लगे तो बस अब इसमें हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है आंवला पाउडर। यहाँ पे हमें 3 चम्मच आंवला पाउडर ऐड करना है। जब आंवले पाउडर को लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो आपके बालों को नेचुरली काला करता है। और आपके बाल जो सफेद हो गए हैं, आप खुद नोटिस करेंगे उनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। जैसे मार्केट से आप बहुत महंगा कलर कराते हैं जो आपके बालों के लिए नुकसानदायक है, आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन ये नेचुरल हेयर कलर आपके बालों को व्हाइट जो होगा इनको काला भी करेगा और लंबे समय तक आपके बालों का झड़ना भी रोकेगा, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। और आंवले के फायदे तो आई थिंक हम सब जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे शरीर और बालों के लिए आंवला कितना ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूंगी, इतना बड़ा चम्मच का साइज आप देख लीजिए, आपने इतना बड़ा चम्मच काली कलौंजी ऐड करनी है। काली कलौंजी कौन सी, जो हम अचार में यूज करते हैं, जी हाँ, क्योंकि कलौंजी जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके बालों को नेचुरली काला कलर करती है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करती है, अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करती है, डैंड्रफ को दूर करती है, आपकी हेयर क्वालिटी को बहुत ही अच्छा देती है। जब आप इस हेयर पैक को, इस हेयर डाई को यूज करोगे, वो भी बिल्कुल नेचुरल वाले को, तो आपको अपने बालों में इतना ज्यादा डिफरेंस फील होगा कि अपने आप इसको आप रेगुलर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच कलौंजी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 सेशे कॉफी पाउच के। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच IDS, अगर आपके पास लूज कॉफी तो 2 चम्मच आप उसमें ऐड कर लीजिए। कॉफी क्या करती है, आपके बालों को टिंट देती है, ठीक है, आपके बालों को नेचुरली कंडीशनर देती है, तो इससे आपके बालों का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बर्गेंडी सा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा, इसका पानी हमने बिल्कुल सुखा देना है और हमने इसमें डाला है आंवला पाउडर, तो आप नोटिस करना कि लोहे की कढ़ाई में जब ये पक रहा है तो धीरे धीरे ये काले कलर का हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से इसको उबलने देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और बीच बीच में आपको उसको चलाते रहना है ताकि चुकंदर जो है कढ़ाई के साथ चिपके नहीं, और उसके बाद जब आप इसका कलर देखेंगे तो ये बिल्कुल काले कलर का हो चुका होगा। ये इतना नेचुरल हेयर डाई है कि आपके बालों को इतना अच्छा कलर देगा जो आज से पहले आपने खुद कभी नोटिस ही नहीं करा हुआ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी हम अपने बालों को डाई कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और आप इसके कलर में भी डिफरेंस फील कर सकते हैं। पहले ये बर्गंडी कलर का था और अब ये डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको अप्लाई नहीं करना बल्कि इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए ढककर रख देना है पूरी रात के लिए। सपोज आपने अगर किसी दिन कलर करना है, आप घर पर है, छुट्टी का दिन है, तो उससे एक दिन पहले आपको इसको बनाना है और ओवरनाइट के लिए ही आपको इसको लोहे की कढ़ाई में पड़े रहने देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए अब आप क्या करेंगे, इस गाढ़े से पेस्ट को हम छन्नी की मदद से छान लेंगे, इसका सारा एक्सट्रैक्ट एक कांच के बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। कांच के बर्तन में जैसे ही आपने इसको निकाल लिया, तो अब इसको अप्लाई करने का तरीका हमने जानना है। आपने इस हेयर डाई को बिल्कुल अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ में उसी तरीके से लगाना है जैसे कि आप हेयर कलर लगाते हैं। सेम आपने अपने बालों की छोटी छोटी स्लीक्स लेनी है और इस पैक को यानी इस हेयर डाई को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए और आपके बालों में डस्ट और इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। हो सके तो आप इस हेयर डाई को इस्तेमाल करने से पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। जब अपने बालों को अच्छे से वॉश करेंगे और जब इस हेयर डाई को अप्लाई करेंगे तो उससे आपके बालों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, जो डस्ट और ऑयल की वजह से नहीं आ पाएगा। उसके बाद आपने अपने बालों को एक घंटा ऐसे ही रहने देना है इसको अप्लाई करने के बाद, और नॉर्मल पानी से वॉश करना है। सेम डे आपने शैम्पू नहीं करना, नेक्स्ट डे आप शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके बालों में जो भी इसका रिजल्ट आए, प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करना। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को जमकर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है @ishamehra। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।